प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया लाई खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, मैं आपसे समझना जरूर चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान की कोई तारीफ कर दे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो जो भी हो, तो ये बात इतनी बुरी क्यों समझी जाती है? मतलब पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे की, पाकिस्तान से भी बहुत लोग भारत की तारीफ करते हैं, तो वो इलेक्शन के टाइम पर अगर तारीफ कर दी गई तो उसमें इतना ज्यादा वबाल क्यों है, इतना ज्यादा जो है वो माहौल खराब क्यों हो रहा है, ये बात इलेक्शन में क्यों हो रही है? देखिए आरजू जी, अगर कोई वाकई में तारीफ के काबिल हो, बेशक उसकी तारीफ करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए। अगर वाकई में कोई काबिले तारीफ है, अगर वाकई में किसी देश की शिक्षा बहुत अच्छी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी देश का कानून बहुत अच्छा है, किसी देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बहुत अच्छा है, किसी देश के जजेस बहुत अच्छे हैं, किसी देश में हर एक धर्म के लोगों का मान सम्मान बहुत अच्छा है, किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी देश की आर्मी बहुत अच्छी है, किसी देश का डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, तो उसकी तारीफ करनी जरूरी है। और अगर हम उसकी तारीफ करते हैं तो हम अपने देश के युवाओं को बताना चाहते हैं कि देखो फलाना देश कितना अच्छा काम कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बगल का देश इतना अच्छा काम कर रहा है। आज बांग्लादेश की तारीफ हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आपके आपसे निकला 1971 में और देखिए अभी कितना फल फूल रहा है। पाकिस्तान ने जिस अफगानिस्तान का मीम बनाया, मजाक उड़ाया, आज अफगानिस्तानियों को देखिए कहां पहुंच गए, टेक्नोलॉजी में कितनी दूर पहुंच गए। आपका पाकिस्तान दुपट्टे से इस्लाम शुरू हो रहा है, दुपट्टे से इस्लाम खत्म हो रहा है, लेकिन अरब देखिए वहां पर मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में जा रही हैं लोग, लड़कियां, वहां पर रिफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो मसला इस बात का नहीं है कि तारीफ करना कोई बुरी बात है, लेकिन तारीफ के काबिल भी होना चाहिए। एक तरफ जहां हमारे देश के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मनीष शंकर अय्यर हुए, दिग्विजय सिंह जी हुए, सलमान खुर्शीद साहब हुए, ये लोग तारीफ पे तारीफ पाकिस्तान की कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि आपके पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को मौलाना साहब का दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हल्फ उठाया, एक ही दिन हम आजाद। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। तो अच्छी बात है ना, दिस इज गुड कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस किस्म की बात हो रही है। देखिए ये तो अच्छा है ना। मैंने आपको इसलिए ये चीज बताया कि आपके पार्लियामेंट में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की का रेफरेंस दे रहे हैं कि एक दिन एक समय एक वक्त पे दोनों देश आजाद हुए, लेकिन आज भारत इतनी तरक्की कर चुका है, दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दिग्विजय साहब और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है, ये तो झूठ है ना, ये तो झूठ है। तो झूठ क्या, झूठ को अफवाह बना करके अगर सलमान खुर्शीद साहब इतने बड़े वकील हो करके और दिग्विजय साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो करके अगर झूठी बात बोल करके मुसलमान वोटर्स को अट्रैक्ट करने की एक टुच्ची हरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान का मोहब्बत दिखा करके मुसलमानों से वोट लेने की टुच्ची हरकत कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। लेकिन मुसलमान उनकी इस बात में क्यों आएंगे, अगर जाहिर है वो वहां पे अगर सिक्योर हैं
उसमें पाकिस्तान को लाके जो है वोट लेना या वोट ना लेने वाली जो एक चला करती है, हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है कि जी भारत में जब इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान का बहुत नाम लिया जाता है, लेकिन किसी के कहने से तो कोई बिलीव नहीं करेगा ना, जो कुछ है वो तो आपको मालूम है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सामने है। तो फिर इस किस्म की स्टेटमेंट को सिर्फ एक इलेक्शन के दौरान स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाएगा? नहीं नहीं आरजू जी, हम तो पाकिस्तान की ना तारीफ करते हैं ना बुराइयां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने कर्तव्यों को बताते हैं और हमने जो होमवर्क किया है, हमने जो जनता के लिए किया है, हम बस उसी का प्रचार करते हैं, उसी बारे में जनता को आगाह करते हैं। अब कोई अगर अपोजिशन पार्टी ये सारी झूठी अफवाह उड़ाएगा तो हमको तो उसका काउंटर देना पड़ेगा, हमको तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्या सच है और क्या गलत है। अब आती है आपकी तीसरी बात कि मुसलमान क्यों सच समझेंगे। देखिए मुसलमान, बेशतर मुसलमान सच्चा कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जाहिल है, दलित से भी पीछे है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ क्या बोल रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है, हमारा सोशल मीडिया क्या बोल रहा है। 99% मुसलमान मर्द भारत में वो तो पॉर्न मूवीज देखते हैं स्मार्टफोन को यूज करने के लिए, और या तो फिर मौलाना तारिक मसूद और तारिक जमील की तकरीरें सुनते हैं 72 वर्जिन हुरों वाली, तो ये सब में उनका दिमाग लगा रहता है। अब भारत के मुसलमानों से अगर आप पूछिएगा कि भैया आपको भारत में किन किन चीजों का रिजर्वेशन मिलता है, मैं आपको दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि उनको पता ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा, पर वो ले रहे हैं लाभ, वो सरकार का लाभ उठा रहे हैं, चलते फिरते खाते पीते पढ़ाते लिखाते और नौकरी पाते हुए के दौरान में वो सारे रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, पर उनको पता नहीं है। अब मैं बताना चाहती हूँ, बट दादी हम सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे, हम तो सारी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, कि वो उनके वोट किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं या वो क्या तारीफ कर रहे हैं, जो पहले गवर्नमेंट रही है, अभी तो जाहिर है नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उनका अगर आप जैसे आप देख ही रही हैं, आप जाहिर ऑब्जर्व कर रही होंगी और आप रिपोर्टिंग भी कर रही होंगी अपने हिसाब से, तो जो सब लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सिर्फ खास रिलीजन या खास कास्ट की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, जिनको मैंने टीवी पे देखा है, जो कांग्रेस या कहीं से भी आते हैं वो मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन वो फिर भी कंप्लेन कर रहे थे, वो फिर भी बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान में तो खैर बीजेपी की तारीफ हो रही है, मोदी जी की बहुत तारीफ होती रही है, डॉक्टर जयशंकर की बहुत तारीफ हुई है, लेकिन हर चीज में अगर हम रिलीजन को या कोई खास कंट्री को अगर लेकर आएंगे, आपके ख्याल से क्या वो ठीक है? देखिए आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा इंटरनली अटैच हो करके मैं काम कर रही हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि झूठ बोल करके तो कोई फायदा है, लोग जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, यही देखा। अलग अलग धर्म को रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करने का कभी भी स्ट्रैटेजी या एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की तरक्की में ही अपने सिटीजन्स और भारत के नागरिक की तरक्की देखती आई है, लेकिन जो कांग्रेसियों ने हमेशा किया है, उन्होंने ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है हमेशा, जिसके कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। अब देखिए बाबरी मस्जिद का ऐलान कितना अवेसी ने किया और कितना कांग्रेस के सरकार पे किया गया और कितना कांग्रेस के नेताओं ने अभी भी किया। यही सलमान खुर्शीद की भतीजी ने उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के भाषणबाजी किया कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, वोट जिहाद करो। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सामने से हो रहा है। अब देखिए 1939 से बाबरी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था, वहां पर झोल और मकड़ी का जाला लटका रहता था। 1939 से मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था, वहां पर गंदगी कूड़ा करकट मकड़ी का जाला होता था, किसी को परवाह भी नहीं थी। और 12 मुसलमानों ने जब एफिडेविट सबमिट किया 1949 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको करेक्शन कर, 1949 में जब 12 मुसलमानों ने एफिडेविट किया कि हाँ ये राम मंदिर के ढांचे पर इस पर मस्जिद बनाई गई है, तब जाकर के नेहरू साहब ने कहा कि नहीं मस्जिद है मस्जिद रहेगी। अरे भैया आप मुसलमान की बात नहीं मान रहे हो, आप हिंदू की बात नहीं मान रहे हो, बस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हो। अच्छा देखिए अभी भी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देख रही होंगी कि जो जो मुकाम और जो प्रोफाइल किसी एक सनातनी और हिंदू महिला को दिया जाता है, सेम प्रोफाइल मेरे जैसी मुसलमान महिला को भी दिया गया है। अगर एक स्टार प्रचारक अगर किसी सनातनी मुस्लिम महिला को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया, तो मुसलमान नाजिया इलाही खान को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। मुझे तो पीछे नहीं छोड़ा गया कि तुम मुस्लिम हो तुमको हम पीछे छोड़ देंगे, नहीं, मुझे भी स्टार प्रचारक बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी धर्मों के आधार पर किसी स्ट्रैटेजी और एजेंडे की बात कभी कही नहीं गई है। ये कांग्रेस की रणनीति, ये कांग्रेस की राजनीति हमेशा रही है। अब क्या जरूरत आन पड़ी थी नेहरू से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक को बाबर के कब्रिस्तान में अफगानिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? और जब आप कर लिए तो फिर उसकी मोहब्बत का इजहार जब आपने जता दिया तो फिर मुगलों के रूल को यहाँ पर चलाने की क्या जरूरत थी? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाजिया इलाही खान जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आरजू काजमी जी के सवालों का जवाब दिया और ना सिर्फ ये बताया कि भारत और बीजेपी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है बल्कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो प्यार है उसे भी उजागर किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।